दोस्तों नमस्कार, आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी दोस्त चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि मालवा के जो शासक थे बहादुर शाह, वो किन के समकालीन थे? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के, शाहजहाँ के? आपको ए बी सी डी में से सही आंसर चुनना है कि मालवा शासक बहादुर शाह, जिन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था कर्मावती के समय, तो किन के समकालीन थे? तो हुमायूं के समकालीन थे। रानी ने हुमायूं को क्या राखी भेजकर मदद मांगी थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिरी सुमेल का युद्ध किन दो के मध्य हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध किन दो के मध्य हुआ? मालदेव और हुमायूं, हुमायूं व शेरशाह सूरी, मालदेव और शेरशाह सूरी, बाबर व महमूद लोदी? तो ए बी सी डी में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है, कौन सा होगा? मालदेव और शेरशाह सूरी है, वो सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर की विजय हुई थी, उनका क्रम जो दर्शाया गया है वो आपको बताना है कि पहले कौन सी हुई, दूसरी कौन सी थी, तीसरी चौथी, ऐसे क्रम के अकॉर्डिंग इनको डिसाइड करना है। तो सर्वप्रथम हुई थी वो गोंडवाना विजय, उसके बाद चित्तौड़ विजय, मारवाड़ विजय और हल्दीघाटी विजय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा 1, 3, 2, 4, बी है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागौर दरबार लगा था उसमें अकबर जो आए थे 1570 में, तो किस रियासत ने हिस्सा नहीं लिया था? मारवाड़ ने, बीकानेर ने, जैसलमेर ने, मेवाड़ ने? तो ए बी सी डी में से आपको सही आंसर बताना है कि किस रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो जो नागौर दरबार हुआ था उसमें मेवाड़ रियासत ने क्या है भाग नहीं लिया था, और राव चंद्रसेन थे उन्होंने भी भाग लिया था लेकिन वो वहाँ से चले गए थे, लेकिन मेवाड़ के जो उदय सिंह हैं उन्होंने भाग नहीं लिया था, और मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने भाग लिया था, बीकानेर के कल्याणमल आदि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने 4 सदस्यों के रूप में एक शिष्टमंडल भेजा जिसमें दूसरे क्रम पर गए थे। तो आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार जो शिष्टमंडल भेजे थे, तो आपको क्रम याद होना चाहिए कि पहले स्थान पर कौन गए, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन और चौथे पर कौन। तो ए बी सी डी में ऑप्शन देख के बताओ कौन सा था जो दूसरे क्रम पर गया था। तो दूसरे क्रम पर गए थे मिर्जा राजा मानसिंह, फर्स्ट पे जलाल खां कोरची, थर्ड पे भगवंत दास और फोर्थ पे टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा मिर्जा राजा मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7000 मनसबदारी नहीं था। अकबर ने जब मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी तो उसमें मनसबदारी 7000 किनको दी जाती थी? मिर्जा अजीज कोका, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 7000 मनसबदारी मिर्जा अजीज कोका को भी दी जाती थी, राजा मानसिंह को भी दी जाती थी, लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना को नहीं दी जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें शामिल नहीं था राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमाम, भगवंत दास? तो ए बी सी तीनों शामिल थे नवरत्नों में, डी जो भगवंत दास है वो नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर जजिया को बंद कर दिया? शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर? तो अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को बंद कर दिया था।
तो इसका सही आंसर होगा बी। अब आपको बताना है कि जजिया कर को वापस पुनः चालू किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, खुर्रम किसके बचपन का नाम था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 9 का शाहजहां उत्तर होगा, तो आपको सी सही करना है। क्या होगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देवराई का युद्ध किनके मध्य हुआ? देवराई का युद्ध किनके मध्य हुआ? शाही सेना व शुजा के मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, औरंगजेब व शुजा के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो युद्ध हुए थे औरंगजेब के चार पुत्रों के मध्य, उन्हीं में से एक है देवराई का युद्ध। देवराई जो स्थान पड़ता है, ये क्वेश्चन नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछा था, तो देवराई बता दूं अजमेर के निकट पड़ता है, राजस्थान में। तो ये जो युद्ध हुआ था वो किनके मध्य हुआ था? ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, कश्मीर, इलाहाबाद। तो मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए होगा। और दिल्ली में कौन सी है? जामा मस्जिद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मुगल शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ? मुगल शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ? हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां। ए बी सी डी में से आपको सही आंसर का सजेशन करना है कि मुगल शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो मुगल शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था अकबर के समय, तो आंसर सी है इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9वें सिख गुरु की जो हत्या की थी वो औरंगजेब ने की थी। 5वें सिख गुरु की हत्या अर्जुन देव की किसने की थी? जहांगीर ने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। ए बी सी डी में से आपको सही आंसर का सजेशन करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो श्रवण काल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का श्रवण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बंदायूनी, सर हिंदी, फेजी, अबुल फजल। ए बी सी डी में से सही आंसर बताना है कि किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर होगा बंदायूनी ने क्या किया था, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ए है वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान था? दीवान ए तन, दरोगा ए डाक, खुफिया नवीस और हरकारा। तो आपको बताना है कि मुगल काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था। तो इसका आंसर होगा दरोगा ए डाक, बी। अब दीवान ए तन का क्या काम था? वेतन व जागीरों से संबंधित जो भी सूचनाएं थी या संबंधित काम थे वो कौन करता था? दीवान ए तन करता था। हरकारा का काम था जासूसी करना, और खुफिया जो नवीस थे वो गुप्तचर लेखन करते थे, गुप्त जो पत्र लेखन थे वो खुफिया नवीस करते थे। तो आपको ध्यान रखना है ये चारों। राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था मुहतसिब, विधि अधिकारी, मुशरिफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मुशरिफ। क्या होगा? मुशरिफ, सी। अब मुहतसिब का क्या कार्य था? प्रजा के नैतिक जो आचरण थे उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता था? मुहतसिब करता था। तो बी, जो मुहतसिब था वो प्रजा के नैतिक आचरणों से संबंधित जो कार्य थे वो मुहतसिब करता था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जहांगीर का राज कवि था? ए अबू तामिल कलीम, बी कादिशी, सी तालिब अमूली और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन था जो जहांगीर का राज कवि था। तो इसका सही आंसर होगा तालिब अमूली, सी। अब जो ये दो थे अबू तामिल कलीम और कादिशी, ये किनके थे? ये शाहजहाँ के थे। किनके थे? शाहजहाँ के थे। नेक्स्ट है भाई, आप एक तो ये टेस्ट सीरीज में डेली भाग लिया करो, 10 मिनट रोज डेली निकाला करो कैसे भी करके। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? शेरशाह सूरी, सुल्तान खान, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो जिंदा पीर के नाम से पता है औरंगजेब को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कुशल जो वीणा वादक था वो कौन था? ए दारा शिकोह, बी औरंगजेब, सी शाहजहाँ, डी जहांगीर। तो कुशल जो वीणा वादक थे वो औरंगजेब थे। तो सही आंसर होगा 20 का, औरंगजेब, बी। तो आपके 20 में से कितने सही होते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताया करो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप उनको कमेंट्स बॉक्स में बताया करो। मैं उस टाइम जवाब नहीं दे पाता किसी कारणवश से, तो बाद में ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जवाब नहीं मिले, अब बाई चांस कोई छूट जाए तो बात अलग है। धन्यवाद।